नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी खबर के बारे में जो अगर सच है तो फिर आपको काफ़ी मजा आएगा। इसमें सन ऑफ सरदार टू बननी है, ये तो तय है। अजय देवगन सर ने कन्फर्म कर दिया है कि स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है और फिल्म बनेगी और इसमें अब सनी देओल सर नजर आएंगे साथ में, ये भी लगभग कन्फर्म खबर है। लेकिन ये शुरू हुई या नहीं हुई इसके ऊपर सस्पेंस बना हुआ है। एक्चुअली दोस्तों मैंने एक बुलंद खबर नाम से कोई वेबसाइट है या न्यूज़पेपर मुझे नहीं पता, उसकी दो दिनों पहले की रिपोर्ट फटी है जिसमें यह दावा किया गया है कि आनंदपुर साहिब में सन ऑफ सरदार टू की शूटिंग चल रही है, ऐसा दावा किया गया। और इतना ही नहीं, उस खबर में यह भी लिखा हुआ है कि जो अजय देवगन सर का जो दो घोड़ों वाला सीन है वो सीन वो कर रहे थे स्टंटमैन की सहायता से। कभी स्टंटमैन की गलती से या घोड़ों की गलती से स्टंटमैन घायल होकर के गिर गए और शायद उसके बाद में बादू नाम था शायद उनका, और उसके बाद में वो घोड़े बेकाबू हो गए और जाकर के आगे किसी ट्रॉली से टकरा गए और दोनों जो घोड़े हैं वो गिर गए, घायल हो गए। फिर तुरंत वहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया, उन्होंने घोड़ों का इलाज किया और फिर सब कुछ ठीक हुआ, फिर दोबारा से सीन फिल्माया गया। तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि घोड़े बेकाबू हो गए थे, लेकिन जो स्टंटमैन घायल हो गया था वो भी वापस जल्दी से अपनी परवाह न करते हुए तुरंत उठा और उन्होंने घोड़ों को काबू में किया, ऐसी खबरें आ रही है। तो आनंदपुर साहिब में सन ऑफ सरदार टू की शूटिंग होने की खबर है और ये कहा गया है कि वहाँ पे अजय देवगन सर और सनी देओल सर दोनों शूटिंग कर रहे हैं। अब इस बात को मैं प्रामाणिकता के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि और किसी बड़ी वेबसाइट पर यह खबर नहीं है और ना ही ऑफिशियल जो न्यूज़ है वो अजय देवगन सर की तरफ से, नहीं मतलब सनी देओल सर की तरफ से, ना मेकर्स की तरफ से कि इसकी शूटिंग शुरू हो गई है। क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है वहाँ तक सनी देओल सर इस समय लाहौर 1947 की शूटिंग कर रहे हैं और सफ़र फिल्म में, बाप फिल्म में उनकी शूटिंग भी वो कर रहे हैं थोड़ी, जिससे टाइम मिलता है उनको तो बीच में। तो इधर ये जो अजय देवगन सर है वो भी मैदान के प्रमोशन में बिजी है और में कहाँ दम था, वो भी फिल्म उनकी आने वाली है, तो वो भी कई फिल्मों की शूटिंग में सिंगम अगेन भी आने वाली है उनकी, तो कहाँ से वो शूटिंग कर रहे हैं, क्यों उन्होंने अपडेट नहीं दिया है। रेड टू की शूटिंग भी है उनकी, तो कुछ समझ में आया नहीं बात की, बात कहाँ तक सही है कितनी सही है। लेकिन पेपर में खबर छपी है और वेबसाइट पे जो भी खबर है उसमें बाकायदा बताया गया है, जगह का लोकेशन बताया गया है कि आनंदपुर साहिब में शूटिंग हुई है और यही बताया गया है कि दो घोड़ों के ऊपर शूटिंग की गई है, स्टंट शूट किया गया है और वो घोड़े घायल हो गए, गिर गए, चोट लगी, ऐसा हंगामा हुआ। तो अब इसको भी दोस्तों नकार तो नहीं सकते नहीं इस खबर को भी, अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो मैं भी नहीं बता सकता। लेकिन अगर ये बात सच है कि सन ऑफ सरदार टू की शूटिंग शुरू हो गई है तो फिर उन्होंने गुपचुप शुरू क्यों की, इनको ऑफिशियली अनाउंस करना चाहिए था इस बात का कि हमसे इन्हें शूटिंग शुरू कर दी है। तो अगर हो गई तो बहुत ही खुशी की बात है ये, और इनको बताना चाहिए और कि हमने शूटिंग शुरू कर दी, क्योंकि सभी इस फिल्म का बहुत इंतजार कर रहे हैं। ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, अजय देवगन सर, सोनाक्षी सिन्हा और संजय दत्त, तो एक ज़बरदस्त फिल्म है, इसका इंतजार सभी कर रहे हैं। अगर शूटिंग शुरू हो गई तो बताना चाहिए और नहीं हुई है तो वैसे क्लियर करना चाहिए कि ये फेक न्यूज़ है, जो भी है सच्चाई क्या कुछ दिनों में सामने आ जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि सन ऑफ सरदार टू बनने वाली है और इसमें सनी देओल सर और अजय देवगन सर दोनों साथ नजर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय बोलना।